सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन देखेंगे। नाउन आखिर होता क्या है? सबसे सिंपल जो डेफिनेशन है आपकी, कह सकते हैं ऑल द नेम वर्ड All living words are nouns. इसका मतलब है कि सभी नेमिंग एंड नाम लेने वाले जो शब्द होते हैं वो आर नाउंस, वो है संज्ञाएं। मतलब संसार में हम जो भी नाम लेते हैं चीज़ों के या किसी भी वस्तु व्यक्ति या स्थान या किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं, जितने भी नाम हैं वो सब संज्ञाओं में आते हैं। और करके हम डेफिनेशन को थोड़ा और समझ सकते हैं। नाम इज Noun is the name of person, place, or things. तो संज्ञा है द नेम एंड एन नाम, और पर्सन इसका नाम है, पर्सन एन व्यक्ति, स्थान स्थान है जगह, या फिर थिंग्स वस्तुओं का। इसको हम थोड़ा एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें कहा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन माने व्यक्ति। तो पर्सन में किस किस के नाम अपन ले सकते हैं? पर्सन माने व्यक्तियों के जो भी नाम, स्त्री या पुरुष दोनों के नाम, जैसे कि करण, अर्जुन, विनय, किरण, प्रीति एटसेट्रा। तो हम देख रहे हैं सभी जो पर्सन व्यक्तियों के नाम है, करण किसी आदमी का नाम होता है, अर्जुन किसी आदमी या लड़के का नाम, विनय भी किसी व्यक्ति का लड़के का नाम, किरण फीमेल नेम है, प्रीति फीमेल नेम है, औरतों या स्त्रियों या लड़कियों के नाम भी इसमें आते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, जो भी उसका नाम होता है वो नाम कहलाता है। पर्सन के बाद हम देखते हैं प्लेस। प्लेस में होता है स्थान या जगह, स्थान या जगह। तो जगह का नाम, चाहे तो हम किसी कंट्री का नाम ले लें, जैसे इंडिया, स्टेट्स के नाम जो भी हैं वो भी जगह आती हैं, मध्य प्रदेश, किसी सिटी का नाम जैसे कि भोपाल, किसी कॉलोनी का नाम जैसे कि मीरा कॉलोनी, या फिर किसी विलेज का नाम जैसे
श्यामपुरा या और भी जगह जैसे कि हॉस्पिटल, ये भी जगह का नाम है, स्कूल, ईटीसी, और भी जो भी आपके जगह के नाम है वो सभी नाम आपके नाउन कहलाते हैं। लेस के बाद हम देख सकते हैं, इसे नंबर लगाते हैं थिंग्स का, थिंग्स है ना चीज है, वस्तुओं का नाम, जैसे कि वस्तुओं जो भी हमारे आसपास हैं चीजें उनका नाम यूज कर सकते हैं, जग, पेन, पेंसिल, फैन, पंखा, चेयर, कुर्सी, टेबल, ईटीसी, और भी जो और चीज़ें हैं जिनके नाम अपन ने यहाँ नहीं लिखे हैं उन सभी के नाम भी नाउन में आते हैं। तो नाउन, ऑल नाउनिंग वर्ड्स आर नाउन, जो सभी नाम होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एक जो नाउन संज्ञा होता है वो किसका नाम होता है? नेम ऑफ पर्सन व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम होता है। इसके अलावा हम इसमें ह्यूमन क्वालिटीज भी जोड़ सकते हैं, आइडियाज भी जोड़ सकते हैं, इन चीज़ों के भी जो नाम होते हैं वो सब नाम कहलाते हैं। तो हमने यहाँ देखा पर्सन का नाम, पर्सन जैसे किरण, अर्जुन, विनय, किरण, प्रीति, ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं, इसलिए सब नाम कहलाएंगे। प्लेस, जगह के नाम, जैसे कंट्री का नाम इंडिया, आप स्टेट का नाम भी ले सकते हैं इसमें मध्य प्रदेश, किसी बड़ी सिटी का नाम भोपाल, कॉलोनी का नाम, विलेज का नाम भी ले सकते हैं श्यामपुरा या कोई और जगह स्पेसिफिक, आप जो जगह का नाम लेंगे, हॉस्पिटल, स्कूल, ईटीसी। थिंग्स, चीज़ों के नाम, चीज़ों के नाम जैसे कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उन सभी को, जो चीज़ें हैं उन सभी को हम नाम कह सकते हैं, जैसे जग, पेन, पेंसिल, फैन, चेयर, टेबल, क्योंकि ये चीज़ों के नाम हैं, ये सब इन चीज़ों के नाम है। पेंसिल कहने पर हमें समझ में आता है कि हम पेंसिल की बात कर रहे हैं, पेन कहने पर हमें पेन के बारे में समझ में आता है, ये जितने भी नाम हैं ये सब नाम कहलाते हैं। तो नाम भी डेफिनेशन क्लियर है। इसके बाद हम इस पे आएंगे, इसके काइंड्स या टाइप, काइंड्स या टाइप्स, यानी कि इसके प्रकार। देखेंगे देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। यहां पर फाइव में पांच प्रकार हैं, पांच प्रकार होते हैं नाउन में संज्ञा के। तो पांच प्रकार कौन से हैं हम थोड़ा देखते हैं आगे। जाना था नाउन के फाइव टाइप्स होते हैं, अब टाइप्स होते कौन से है देखना है। जो फाइव टाइप्स है उसको जरा हम देखते हैं। नाउन, नाउन का पहला टाइप्स होता है
प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक नाउन एंड संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर टू कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का अर्थ होता है हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। नंबर थ्री नाउन का टाइप होता है कलेक्टिव नाउन, इसका मतलब होता है कलेक्टिव ने समूह, समूहवाचक संज्ञा। नंबर फोर होता है मटेरियल नाउन, इसका मतलब है मटेरियल ने पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा। और लास्ट टाइप होता है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका अर्थ होता है भाववाचक, भाव मतलब फीलिंग, भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब होता है फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स हैं उनके जो नाम होते हैं वो सब इस नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन के मुख्य पांच प्रकार के नाउन होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, तो चौथा होता है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। पांच मुख्य रूप से इसके टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। फर्स्ट देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हमने पहले अर्थ बता दिया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है यानी कि इसमें व्यक्तियों के नाम आएंगे, मनुष्यों के नाम आएंगे, इसीलिए हम कहते हैं प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स। तो देखना है प्रॉपर नाउन इज एन है नेम एन नाम, इसके नाम है पर्टिकुलर एक विशेष या खास, एक विशेष या खास पर्सन है व्यक्ति का नाम, प्लेस है जगह का नाम या थिंग्स है चीजों का नाम।
उसकी डेफिनेशन एक बार फिर देखना है. प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स. प्रॉपर नाउन नाम है एक विशेष व्यक्ति का या विशेष जगह का या विशेष चीजों का. अब इसका अर्थ, विशेष का अर्थ है कि कोई खास नाम होना हर चीज का. जैसे कि पर्सन में देखते हैं, पर्सन अगर हम कहेंगे मैन तो ये कोई पर्टिकुलर मैन नहीं हुआ. नहीं है, क्योंकि मैन एक कॉमन नाम है. सभी मनुष्यों को, सभी आदमियों को हम मैन कह सकते हैं. लेकिन अगर हम इस मैन में कहते हैं मोहन, तो ये हमने एक पर्टिकुलर नाम लिया है, क्योंकि सभी लोगों का नाम मोहन नहीं होता है. अगर हम कहते हैं श्याम, तो ये भी एक पर्टिकुलर नाम है, क्योंकि सभी आदमियों का नाम श्याम नहीं हो सकता है. हम कहते हैं किरण, तो ये भी एक पर्टिकुलर नाम है, क्योंकि सभी लेडीजों का नाम किरण नहीं हो सकता. जब भी किसी व्यक्ति का अगर हम खास नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. प्रॉपर नाउन इसलिए कहलाता है क्योंकि अपन उसका खास नाम ले रहे हैं. ठीक इसी प्रकार से पर्सन की तरह प्लेस में भी हम देखेंगे. अगर हमने नाम लिया कंट्री, कंट्री हमें देश, लेकिन कंट्री तो सभी देशों को अपन कंट्री कहते हैं, ये कोई खास नाम नहीं हुआ, पर्टिकुलर नेम नहीं है ये. लेकिन अगर हम कंट्री में कहें इंडिया, तो हम एक खास नाम ले रहे हैं, क्योंकि सभी कंट्रियों का नाम इंडिया नहीं है. अगर हम कहें जापान, तो हम एक खास नाम ले रहे हैं. हर कंट्री का नाम जापान नहीं हो सकता, हर देश का नाम जापान नहीं हो सकता, इसलिए एक पर्टिकुलर नेम है. हम कहें चाइना, तो ये भी एक पर्टिकुलर नेम है, क्योंकि सभी कंट्रियों का नाम चाइना नहीं हो सकते, किसी एक विशेष कंट्री का नाम चाइना है. इस प्रकार से एक पर्टिकुलर प्लेस का जो नाम होता है वो सब प्रॉपर नाम के अंदर आते हैं. अब हम देखते हैं तीसरी चीज, थिंग्स. थिंग्स मान लो मैंने नाम लिया पेन, और क्या ये पर्टिकुलर नाम हुआ? पेन, पेन है कॉमन पेन, कोई भी पेन. पर्टिकुलर नेम नहीं है ये, क्योंकि पेन यानी एक कॉमन चीज की बात कर रहे हैं. सभी पेन जो होती है वो कॉमन होती है. लेकिन अगर मैं उसमें कहूं मुझे पेन रोटोमैक की चाहिए, तो ये पर्टिकुलर नाम हुआ है, क्योंकि पेन में मुझे कौन सी चाहिए? रोटोमैक वाली चाहिए, और कोई पेन मुझे नहीं चाहिए. अगर मैं कहूं सेलो, मुझे पेन सेलो की चाहिए, तो मैंने एक पर्टिकुलर नाम लिया, खास नाम लिया है कि मुझे पेन सेलो की चाहिए, कोई और पेन मेरे लिए नहीं चलेगी. या कोई और विशेष जो भी कंपनी हो, सोनाटा, तो इसका मतलब है ये भी एक पर्टिकुलर नाम हुआ, क्योंकि मुझे जो चीज है वो इसी कंपनी की चाहिए, ना कि एक कॉमन चीज चाहिए. तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा. प्रॉपर नाउन अच्छी तरीके से, किसी भी प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति का खास या विशेष नाम होना, किसी जगह का विशेष या खास नाम होना, या किसी चीज का खास नाम होना प्रॉपर नाउन कहलाता है. फर्स्ट पार्ट यहाँ पर पहला जो उसका टाइप है वो यहाँ पर खत्म होता है. नंबर टू पे हम आएंगे.
नंबर टू टाब हमने लिखा था कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हमने कहा था जातिवाचक। देखना है कॉमन नाउन इज कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन लिव और थिंग। ये इसकी डेफिनेशन जो हम देखते हैं। कॉमन नाउन एक जो जातिवाचक संज्ञा होती है जिन्हें है दन कॉमन नेम, कॉमन नेम साधारण नाम, साधारण नाम है ऑफ ए क्लास ऑफ एन का एक क्लास में एक समूह का नाम, एक समूह का नाम है वो समूह पर्सन का हो, किसका हो, व्यक्ति का हो, या फिर वो समूह किसी जगह का हो, या फिर वो समूह किसी चीज का हो। एक बार डेफिनेशन फिर देखेंगे। ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम, एक जो कॉमन नाउन होता है वो एक कॉमन नेम होता है, यानी साधारण नाम होता है ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति के समूह का, प्लेस एक क्लास समूह या श्रेणी हम कह सकते हैं जो एक ही जैसी होती है। क्लास का मतलब जो चीजें एक जैसी होती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई कलेक्टिव की बात नहीं की जा रही है। तो क्लास ऑफ पर्सन किसी एक ही श्रेणी के व्यक्ति का, एक ही श्रेणी की जगह या एक ही श्रेणी की चीजों का जो नाम होता है वो कॉमन नाम के अंतर्गत आता है। इसे और अच्छी तरीके से हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि शिवम इज ए गुड बॉय, तो हमने नाम पढ़ा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम जो होता है, वस्तु का नाम या स्थान का नाम, नाम कहलाता है। शिवम यहाँ पर नाम है, लेकिन बॉय जो लड़का है ये भी यहाँ पर नाम है, क्योंकि ये भी बॉय में लड़का होता है, लड़का भी कोई नाम है, ठीक है। तो ये जो है ये भी नाम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि शिवम कैसा नाम है और बॉय कैसा नाम है, ये हमको देखना है। शिवम जो है वो एक खास नाम है, पर्टिकुलर नेम है। पर्टिकुलर नेम मतलब कि आपने जो पहला वाला टाइप पढ़ा था प्रॉपर नाम शिवम उसमें आता है, क्योंकि हर लड़के का नाम शिवम नहीं हो सकता है, क्योंकि हर लड़के का नाम शिवम नहीं हो सकता है, किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम शिवम है। लेकिन ये जो बॉय है ये कॉमन नाउन आएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा और ये कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन इसलिए हो जाएगा क्योंकि बॉय हम सभी से कह सकते हैं, कॉमन रूप से कह सकते हैं, बॉय मतलब सभी लड़के,
लड़के मतलब हमें बॉयज की क्लास से बात हो रही है ना कि लड़के की जो श्रेणियां हैं उन सभी लड़कों में लड़कों को हम कॉमन नाउन के रूप में यूज करेंगे क्योंकि हम सभी लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसी एक खास नाम के बारे में नहीं कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल जरा देखें, ऋतिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहां पर हमने देखा नाम फिर से छाटा कि नाम किस किस चीज का आ रहा है, ऋतिका लड़की का नाम है और गर्ल ये सभी लड़कियों के लिए हम कॉमन रूप से नाम ले सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, ऋतिका एक खास नाम है क्योंकि ये सभी लड़कियों के नाम नहीं हो सकते इकट्ठे, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है जिसे हम शॉर्ट में पीएन लिख सकते हैं। और गर्ल क्योंकि यहाँ पर हम सभी गर्ल गर्ल मतलब सभी लड़कियों के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर, इसलिए ये कॉमन नाउन सीएन कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने किसी का खास नाम नहीं लिया। जैसे कि इसका अर्थ ऋतिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ऋतिका एक इंटेलिजेंट गर्ल है, होशियार लड़की है, तो यहाँ पर ऋतिका जो हुआ वो प्रॉपर नाम हुआ और गर्ल कॉमन नाम हुआ। एक और एग्जाम्पल हम देखें, ग्वालियर इज ए बिग सिटी। इसका अर्थ है ग्वालियर एक बड़ी सिटी है ना, शहर है, ग्वालियर एक बड़ा शहर है। तो यहां पर हमने देखा नाम हमें दो मिले हैं, ग्वालियर और सिटी, क्योंकि ये जगह का नाम है दोनों ही, लेकिन यहाँ पर इनमें डिफरेंस है क्योंकि ग्वालियर सभी सब जगह का नाम नहीं हो सकता है, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। लेकिन सिटी हम कॉमन नाउन कहेंगे क्योंकि हम सभी शहरों के लिए इसकी बात कर सकते हैं, सिटी कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम नहीं है, सभी शहरों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटेंस बनेगा ग्वालियर इज ए बिग सिटी, ग्वालियर एक बड़ी सिटी है या बड़ा शहर है। एक और एग्जाम्पल से हम इसे क्लियर कर सकते हैं, गंगा इज ए होली रिवर। यहां पर सबसे पहले हम नाम छाटेंगे, तो नाम है पहला गंगा जो नाम होता है क्योंकि नाम ही नाउन होता है, उसके बाद दूसरा है रिवर नदियां, नदियां भी नाम होता है इसलिए ये नाउन है, लेकिन अब हमें इनमें डिफरेंस देखना है कि ये दोनों नाउन है कैसे। गंगा क्योंकि गंगा सभी नदियों के नाम नहीं होते हैं, किसी खास एक विशेष नदी का नाम है इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन रिवर रिवर है ना नदियां, रिवर है ना नदी, नदी हम सभी के लिए कॉमन रूप से बोल रहे हैं, नदी का मतलब है सभी नदी जो शामिल है, इसमें हमने किसी का विशेष नाम नहीं लिया, ये कॉमन नाउन है। इसका अर्थ है गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। मेरे ख्याल से आपको तो कॉमन नाउन भी यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, इससे आगे के हम अगले चैप्टर में